अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नानाखेड़ा ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर शहर के लोगों को एक अनूठी सौगात दी है। अवंती हॉस्पिटल की नई ओपीडी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अवंती सुपर स्पेशलिटी ओपीडी एवं पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर वर हमीर मार्ग टावर फ्रीगंज से किया गया। बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अवंती हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की सराहना की। सुपर स्पेशलिटी ओपीडी और कलेक्शन सेंटर उज्जैन वासियों के लिए अवंती हॉस्पिटल की एक छोटी सी पहल है। अवंती हॉस्पिटल का विश्वास है कि लोगों अवंती हॉस्पिटल का विश्वास है कि लोगों के स्वास्थ्य की परेशानियों का समय रहते निराकरण किया जा सकेगा। आसपास के लोग जो कि लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए उज्जैन आते हैं, अब उन्हें किफ़ायती दरों पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अवंती हॉस्पिटल की ओपीडी जो कि फ्रीगंज में शुरुआत हो गई है, जो कि प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी, जिसमें देश के नामी डॉक्टरों द्वारा सेवा दी जाएगी। अवंती हॉस्पिटल की ओपीडी के शुभारंभ अवसर पर उज्जैन के जमाने डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधियों ने अवंती हॉस्पिटल को शुभकामना दी। अवंती हॉस्पिटल को आज 2 साल हुए हैं, तो इस अवसर पे हमने सोचा कि कुछ लोगों ने हमें ये कहते रहे कि साहब वो बहुत दूर पड़ता है रूटीन बताने के लिए, तो यहाँ फ्रीगंज में कुछ व्यवस्था करे, तो इसलिए एक व्यवस्था यहाँ करी है, ओपीडी प्लस ब्लड कलेक्शन सेंटर। और यहाँ से मतलब सुबह 8 से रात के 8 तक चालू रहेगा। विभिन्न डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट और सभी लोग यहाँ बैठेंगे टाइम टाइम से। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने जो मतलब क्या कहते हैं 100 व्यक्तियों के लिए नहीं 100 व्यक्तियों के लिए जो कि उच्च क्वालिटी की या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज नहीं कर पाते थे कास्ट के कारण, उनके लिए करीब 40% से 30% कास्ट में 100 लोगों के लिए, जैसे घुटना बदलना है, हिप बदलना है, न्यूरो सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, स्टेंटिंग है या यूरो सर्जरी है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉमिनल कास्ट मतलब जो कास्ट है उससे भी कम में